हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है व्हाई वी नीड सप्लीमेंट्स एंड मल्टीविटामिन्स। बहुत से लोग इस बारे में हमेशा डाउट में रहते हैं कि क्या हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्या हमें मल्टीविटामिन लेने चाहिए, क्या ये डेंजरस टू हेल्थ हैं, क्या हमें इसकी रियली में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो मैं इस डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स और लॉजिक्स बताऊँगा जिससे आपको आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। तो आई गिव यू फ्यू पॉइंट्स। सो फर्स्ट एंड द फर्स्ट पॉइंट इज पुअर डाइजेशन। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप कोई चीज़ खाते हैं तो अधिकतर लोग स्पीड में खाते हैं और अच्छे से उसको च्यू करके चबा कर नहीं खाते हैं, जिस वजह से उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। और अगर प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होगा तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसके मल्टीविटामिन्स या अमीनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन आपकी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएंगे और यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इट। सो आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन आप उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसलिए आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको सप्लीमेंट करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट है टेकिंग हॉट टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड पिकल। अब ज़्यादातर लोग नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी टी, हॉट कॉफ़ी टी, स्पाइसेस एंड पिकल्स लेते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि वो हॉट होते हैं और स्पाइसी होते हैं, आपकी डाइजेस्टिव लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से आपकी जो डाइजेस्टिव लाइनिंग है वो इनफ डाइजेस्टिव फ्लूड नहीं सिक्रेट कर पाती। जो फ्लूड सिक्रेट होता है वही आपकी फूड को तोड़ता है और फिर उसके बाद अब्सॉर्प्शन होती है। अगर वो इनफ नहीं हो पा रहा तो आपके फूड में से मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी, इवन कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, तो आपको उसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। थर्ड रीज़न इज अल्कोहल। जो लोग एक्सेसिवली अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से लीवर एंड पेनक्रियाज डैमेज हो जाते हैं और आपके लीवर और पेनक्रियाज आपके डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो इंटेस्टाइन का ट्रैक्ट है, वो भी डैमेज हो जाता है, जिससे आपके फूड की अब्सॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है। तो ड्रिंक करने वालों का जो फूड अब्सॉर्प्शन है, चाहे वो अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन है, चाहे वो ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो मल्टीविटामिन्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उसकी अब्सॉर्प्शन बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। अल्कोहल की तरह स्मोकिंग भी एक इरिटेंट है जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डैमेज करता है और आपकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है। जो लोग स्मोक करते हैं, सपोजिंगली अगर किसी नॉर्मल इंसान की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 1000 mg है, तो हर एक सिगरेट जब वो स्मोक करते हैं तो वो 30 mg विटामिन सी लूज कर देते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितनी सिगरेट आप स्मोक करेंगे हर सिगरेट में आप 30 mg विटामिन सी लूज कर रहे हैं। और विटामिन सी जो है वो आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, डिजीज को फाइट करने में, इवन कोल्ड एंड कफ को फाइट करने में विटामिन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप कॉन्टिन्यूस स्मोकर हैं तो अपने विटामिन सी को इतना ज़्यादा लूज कर रहे हैं कि आपको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट्स एंड इलनेस। अगर एक्सीडेंट्स के कारण, लेट्स से बर्न के कारण, जो लोग जल जाते हैं उनको अपने मसल को रिपेयर करने के लिए नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन लोगों को सप्लीमेंट्स सच एज ग्लूटामिन एंड प्रोटीन, दे शुड यूज इट। और जब आपकी जैसे बोन्स ब्रेक होना, फ्रैक्चर होने में यू लूज लॉट ऑफ कैल्शियम, इफ यू वांट टू रिपेयर दोज बोन्स फास्टर देन यू नीड टू सप्लीमेंट योरसेल्फ विद ग्लूकोसामीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड सो फोर्थ। एंड इन टर्म्स ऑफ इलनेस, व्हेन यू फॉल सिक, स्पेशली सम विटामिंस लाइक विटामिन सी is a very important vitamin, and then you need a supplement like zinc, magnesium, vitamin B5 and vitamin B6 to recover faster. Next is the teenage years. जैसे हम सब लोग जानते हैं, teenage में जो growth होती है वो सबसे ज़्यादा fast होती है,
तो उस पीरियड के में चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, आपको अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल जो डाइट है आपकी वो उसको पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि जिस स्पीड ऑफ ग्रोथ इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी फास्ट. सो यू नीड टू सप्लीमेंट योर सेल्फ. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन यू नीड देम. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा हो जाती है टू सपोर्ट बेबी. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड मोर ऑफ मल्टी विटामिंस, विटामिंस लाइक B1, B2, B3, B6, फोलिक एसिड, आयरन A, B, D, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड मोर, एंड इवन आयरन एंड कैल्शियम दीज आर रिक्वायर्ड मोर कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन. इवन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इज मोर. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो यू शुड सप्लीमेंट योर सेल्फ विद गुड क्वालिटी मल्टी विटामिंस एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज एजिंग. जैसे ही एज इंसान की बढ़ती जाती है, एज के साथ साथ आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज, उसके साथ साथ आपकी जो सेंस ऑफ टेस्ट है और सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत कम हो जाती है, और बॉडी की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म सब स्लो हो जाता है. तो उस टाइम पे जो आपकी जो नॉर्मल फूड की कैपेसिटी जो इनटेक की है वो पहले से बहुत कम हो जाती है, तो आपकी बॉडी को उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो व्हेन यू एज, इफ यू सप्लीमेंट योर सेल्फ विद गुड क्वालिटी सप्लीमेंट, इट विल हेल्प यू टू लिव लाइफ हेल्दियर एंड लॉन्गर. द लास्ट इज एथलेटिक्स, एथलीट्स. अब चाहे आप किसी भी एथलीट को ले लीजिए, चाहे वो एक बॉडी बिल्डर है, एक पावर लिफ्टर है, एक मैराथन रनर है, एक स्प्रिंटर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, इनका नॉर्मल वर्कआउट 3 से 4 घंटे का वर्कआउट होता है, वो भी सुपर इंटेंस वर्कआउट होता है, विच इज यू नो टू मच कंपेयर टू अ नॉर्मल पर्सन. सो देयर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटीन, देयर रिक्वायरमेंट फॉर मल्टी विटामिंस, फॉर कैल्शियम एंड ऑल दो स्टफ इज मच मोर देन अ नॉर्मल पर्सन. इफ दे डोंट सप्लीमेंट विद गुड क्वालिटी प्रोटीन्स एंड गुड क्वालिटी सप्लीमेंट, दे विल एंड अप हैविंग डेफिशिएंसीज एंड इंजरीज. कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है एथलीट्स की बात करें, तो आपको उस हिसाब से सप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रोटीन हो चाहे वो कुछ और हो, नहीं तो आपका एथलेटिक करियर ज़्यादा देर तक एक्सेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे पहले आपको इंजरीज हो जाएंगी एंड यू विल हैव डिफिशियंसीज ऑल्सो. सो गाइस, ये रीजंस थे कि आपको अपनी लाइफ में सप्लीमेंटेशन क्यों करना चाहिए. मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. मेरा पर्पस किसी भी सप्लीमेंट कंपनी का प्रमोशन करना नहीं है या सप्लीमेंट प्रमोट करना नहीं है. मेरा पर्पस आपको सच्चाई दिखाना है. जो भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो आपको बताया मैंने अभी तक, दीज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड लॉजिक्स, एंड आप इसको चेक कर सकते हैं. मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बिना सप्लीमेंट को आपको कोई एक्सरसाइज का या आपके जो भी रूटीन है उसका बेनिफिट नहीं होगा. ऐसा मेरा मतलब नहीं है. मेरा कहने का सिंपली पर्पस और मतलब यह है कि अगर आप प्रॉपरली सप्लीमेंटेशन को यूज़ करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं जो आप चाह रहे हैं उस हिसाब से आएंगे, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल इन एनी फील्ड विच एवर यू चूज टू. फिटनेस और सप्लीमेंट इंडस्ट्री के में बहुत सारे मिथ्स हैं कि इस ये डेंजरस है, यू कैन डाई टेकिंग इट. देर आर सो मेनी मिथ्स एंड उसके रीजंस हैं, क्योंकि बहुत सारे फेक सप्लीमेंट्स मार्केट में हैं, उसकी वजह से पीपल हैव फेस प्रॉब्लम. बट इफ़ यू आर बाइंग जेन्युइन एंड ऑथेंटिक सप्लीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर गोल, तो यू विल ऑब्वियसली एंड 100% गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Do like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.